नमस्कार दोस्तों। तो कैसी है हमारी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ चकूटा साइड पे, अभी सुबह का टाइम है तो काम शुरू हो चुका है यहाँ पे। नज़ारे भी दिखाऊंगा आपको। और मेरे पीछे हरीश भाई लगा है मोटर पाइप जोड़ने में, मोटर से नीचे पानी पहुँचा रहे हैं साइड पर। तो काम शुरू हो चुका है, धूप भी बढ़िया खिली हुई है। तो शुरू करते हैं आज का अपना दिन और शुरू करते हैं आप आज का अपना ब्लॉग। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा हमारे ऐसे आने वाले लेटेस्ट ब्लॉग पहाड़ों से। तो हरीश भाई यहाँ पे लगा हुआ है मोटर जोड़ने में, यहाँ ये टैंक है यहाँ पे, और टैंक से नीचे पे पानी डाला जाएगा, इसलिए यहाँ पे मोटर जोड़ रहा है हरीश भाई। तो चलते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं अपना। और सबसे पहले काफ़ी खूबसूरत वैली जा रही है आसपास में, काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है, तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो आज मॉर्निंग में इस प्रकार व्यू जा रहे हैं चकूटा साइड से, सुबह अर्ली आ गए हैं यहाँ पे। तो हरीश भाई ने मोटर तो पूरी यहाँ पर जोड़ ली है, पाइप भी पूरा बिछा दिया है, यहाँ से जा रहा है नीचे। यह है रोड, रोड से नीचे वाली साइड पे पूरा पाइप बिछा के यहाँ पे, क्योंकि टैंक है स्टॉक कर रखा है हम लोगों ने पानी, तो यहाँ से जाएगा नीचे। और नज़ारे काफ़ी बेहतरीन देखे आज। तो फ्रेंड मैं आ चुका हूँ नीचे और अभी साइट पे खड़ा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ रिटेनिंग वॉल की लुक, किस प्रकार हमारी रिटेनिंग वॉल यहाँ पे बन रही है, किस प्रकार हमारा कार्य हो रहा है, वो आपके साथ मैं डेली शेयर कर रहा हूँ। और अभी दिखा रहा हूँ फ्रंट से आपको रिटेनिंग वॉल की लुक जो हमने यहाँ पर तैयार की है। करीब 10-12 दिन हो गए हैं, 10-12 दिन में इतना काम यहाँ पर हो चुका है, काम काफ़ी अच्छी रफ्तार से यहाँ पर चल रहा है। और किस प्रकार रिटेनिंग वॉल बनानी है, क्या हाइट आनी है, क्या लंबाई है उसकी, उस हिसाब से उस पर बेस बनाया जाता है और तब जाके रिटेनिंग वॉल बनाई जाती है। सब अलग अलग तरीके से रिटेनिंग वॉल तैयार करते हैं और हम जिस तरीके से कर रहे हैं वो आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी हो रहे हैं 12 बजे का समय और काम यहाँ पर साइड पर चला हुआ है, सामने हो रही रिटेनिंग वॉल की चिनाई। एक पार्ट जहाँ पर अमित भाई बैठा हुआ है वो तो कम्प्लीट है, उसके आगे मिट्टी भी हमने फिलअप कर दी, तो दूसरा पार्ट चिनाई हो रही है। फिर एक छोटा पार्ट रह जाता है तीसरा वाला, जिसकी चिनाई होगी बाद में जब ये दूसरा वाला पार्ट कम्प्लीट हो जाएगा। दूसरा वाला पार्ट कम्प्लीट होता है जो यहाँ मिट्टी देख रहे हैं पूरी उस पर भरी जाएगी, तो काफ़ी चौड़ा एरिया इनका निकलता है, काफ़ी ब्रॉड एरिया निकलता है। ये ईंटें भी तोड़ी जा रही हैं यहाँ पर, ईंटों को भी स्टॉक किया जाएगा, तो बढ़िया एक प्लंथ एरिया इनका निकलता है। तो इस प्रकार पहाड़ों में पहले लैंड डेवलप होती है, उसके बाद होता है घर निर्माण कार्य। और नज़ारे देखिए दोपहर के समय में यहाँ से। तो दोस्तों अभी बज रहा है दोपहर का 1 और हम लोग जा रहे हैं घर को, साथ में हरीश भाई। तो करके आते हैं लंच, फिर आएंगे फिर से चकूटा साइड पे, और शाम तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा, आजकल फ्री हैं तो साइड पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अमित भाई साइड पे ही है, उसके लिए घर खाना यहाँ पे ले आएंगे हम लोग। तो लंच करके आते हैं, उसके बाद फिर से आएंगे चकूटा साइड पर। तो फ्रेंड कसले मार्केट हमने पार कर लिया, अब सीधे जा रहे हैं घर की तरफ को, और छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को हो चुकी है स्कूल से छुट्टी, सभी जा रहे हैं घर की तरफ। ये सभी लोग आ चुके हैं स्कूल से, छोटे छोटे बच्चे हैं एकदम। तो फाइनली दोस्तों घर पे पहुंच चुके हैं, अब करेंगे लंच। पन्नो लोग भी आ चुके हैं स्कूल से, पुष्कर भी आ गए हैं, ये सभी लोग आ चुके हैं स्कूल से। और मनु हमारी काफ़ी, मनु क्या कर रही है, हेलो बोल रहे सबको, ये ज़्यादा ही नाच रही है अभी, तो मस्ती ज़्यादा चल रही है, तो ये कुछ माहौल हो रहा है अभी यहाँ पे। और व्यू देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारे आ रहे हैं देखने के लिए, आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ। तो खाना खाते हैं फिर अमित भाई के लिए ले जाएंगे, तो फिर चलेंगे चकूटा साइड की तरफ। और इस प्रकार के व्यू जा रहे हैं अभी दोपहर के समय में, देखिए हल्की सी धुंध टाइप में है जो गर्मी की उमस होती है, हल्की सी है बाकी, लेकिन व्यू क्लीन है, दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी अच्छी है। तो शहरों में कैसा मौसम है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों लंच कर लिया, अब जा रहे हैं हम चकूटा साइड को, साथ में हरीश भैया हमारे। तो भाई मौसम कैसा हो रहा है,
मौसम भाई गर्मी शुरू हो गई है, धीरे धीरे गर्मी शुरू है। मार्च का महीना है, हल्की हल्की गर्मी शुरू हो चुकी है। उतनी गर्मी तो पहाड़ों पर होती नहीं है, आपको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम लोगों को गर्मी महसूस हो रही है हल्की दुखी। और शहरों तक वीडियो पहुँच रही है, तो शहरों में मौसम कैसा है आप हमें कमेंट में बताइएगा। और साथ में हरीश भाई ले जा रहा है हाथ पे खाना अमित भाई के लिए, तो पहुँचते हैं जल्दी से जल्दी चकुटा साइड पे, फिर आगे आपसे बातें करता हूँ और आपको काम दिखाता हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ कसलेग मार्केट में अभी घर से निकल के, और कसलेग मार्केट में बनी हुई है अभी सुनसानी, दोपहर का समय है, गाड़ियाँ सब यहाँ पर पार्क हैं और व्यूज देखिए अगल बगल के। तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं शाम के 4 और 1 घंटा रह गया है काम से छुट्टी के लिए। तो जो सुबह से रिटेनिंग वॉल की चिनाई हो रही है उस पर अभी करी जाएगी सबसे ऊपर उसकी DPC, और साथ में कॉलम भरे जाएंगे और पास में मिट्टी यहाँ पर भरी जा रही है। जितनी दीवार ऊपर को उठ रही है खाली जगह जो मिट्टी खोदी हुई है मिट्टी भरी जाएगी। जिस प्रकार यहाँ पर प्लंथ आ रखा है आपका, आप देखिए जो रिटेनिंग वॉल कम्प्लीट हुई है पहली वाली, जिस प्रकार यहाँ पर प्लंथ आ रखा है सेम प्लंथ उस तरफ भी आएगा जब रिटेनिंग वॉल पूरी उठ जाएगी ऊपर तक। और ये व्यूज आ रहे हैं शाम के समय में, अभी यहाँ पर से धूप चली गई है, सुबह के टाइम में करीब 12-1-2 बजे तक यहाँ पर बढ़िया धूप लगती है, तो शाम को चली जाती है धूप यहाँ से। जिस कारण काफ़ी अच्छे व्यूज आ रहे हैं अभी, और काम करने के लिए भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। देखिए सामने की तरफ व्यूज देखिए और नीचे हरियाली देखिए खेतों पर। तो दोस्तों ये है रिटेनिंग वॉल कार्य जो यहाँ पे चला हुआ है। मैं हूँ अभी रिटेनिंग वॉल की फ्रंट साइड में और पूरी रिटेनिंग वॉल आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार कार्य होता है पहाड़ों में, खास तौर पे हम इस प्रकार कार्य करते हैं रिटेनिंग वॉल का। आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट में शेयर करिएगा। और पास में ये जो स्टेप स्टेप बनाए हैं छोटे छोटे, ये हैं सीढ़ियाँ कोई अगर नीचे से ऊपर आता है तो। और पास में गेहूँ तो काफ़ी मस्त दिख रहे हैं अभी, देखिए ये हैं वो सीढ़ियाँ जो इस पर दे रखी हैं नीचे से ऊपर जाने के लिए। पुरानी पहाड़ी स्टाइल में एकदम रिटेनिंग वॉल तैयार की गई है। और जो ऊपर से रिटेनिंग वॉल के अभी देखे मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे भी जो हमारा मसाला नीचे गिरा वो सारा उठाया जा रहा है अभी। ये जो ऊपर से अभी भरान कर दिया है इसके ऊपर करी जाएगी TPC, और घोड़े लगातार रोड से नीचे माल यहाँ पर ला रहे हैं। आज घोड़े भी काफ़ी आए हुए हैं, करीब 8-10 घोड़े हैं आज लगातार माल यहाँ पर ला रहे हैं, माल की कोई कमी नहीं होने दे रहे। तो दोस्तों अभी मसाला बनाया जा रहा है, देखिए कॉलम यहाँ पर भरा जा रहा है और इसके ऊपर जो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये पूरा भरा जाएगा, इस पर DPC करी जाएगी, मसाले की एक चादर सी इस पर बिछाई जाएगी। ये देखिए इस प्रकार यहाँ पे देखिए अभी आधी रिटेनिंग वॉल कंप्लीट हो चुकी है DPC से। तो इस प्रकार कार्य किया जाता है ताकि दीवार को और मजबूती मिले, ये देखिए। और जो पास में खाली एरिया जहाँ पर पत्थर हैं यहाँ पे सारा भरा जाएगा मिट्टी। फ्रेंड शाम का समय है, हम लोग आगे हैं काम से, सांस में ला रहा हूँ सब्जी थोड़ी बहुत, और पीछे चल रहा है हरीश भाई। तो आसपास के इन्वायरमेंट देखिए, काफ़ी खूबसूरत मौसम लग रहा है अभी शाम के समय में, काफ़ी बढ़िया रौनकें हैं पहाड़ों की, धूप चली गई है। तो आसपास जितनी भी आजकल सफ़ेदी आई है, फूलों में पेड़ों पर फूल आए हैं, आड़ू के पेड़ों पर फूल आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार व्यू जो शाम के अभी नज़ारे आ रहे हैं, पहुँच जाते हैं घर पर हम लोग भी। फ्रेंड देखिए शाम के समय में व्यू, घर के पास में पहुंचने वाले हैं हम लोग, और यहाँ पर देखिए क्या मस्त लग रहा है आजकल, फूल ही फूल सभी जगह। हरीश भाई आगे पहुंच गया है, ऊपर गेहूं हुए हैं काफ़ी मस्त, धूप चली गई है, नज़ारे इस प्रकार आ रहे हैं। तो व्यू कैसा लगा और पहाड़ों की ये खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य आप लोगों को कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो फ्रेंड आप लोगों ने व्यू देखा होगा, व्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट में शेयर करिएगा। यही रौनकें होती हैं आजकल पहाड़ों पे, सभी जगह जैसे आप देख रहे होंगे फूल पेड़ जो हैं फल वाले उन पर भी फूल आ चुके हैं, और बुरांस के फूल तो जंगलों में काफ़ी मस्त लग ही रहे हैं आजकल। तो इस बार तो मुझे लग रहा है कि काफल भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे, पिछले साल तो उतने हुए नहीं थे काफल, तो सभी कुछ इस बार अच्छा होने वाला है, आड़ू के फल अच्छे होंगे, पुलम अच्छे होंगे, तो काफ़ी बेहतरीन रौनकें बनी हुई हैं पहाड़ों की। तो घर पर पहुँचने वाले हैं, फिर करते हैं आपसे और बात आगे।
तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और मेरे पीछे देखिए आड़ू के पेड़ों में क्या मस्त फूल आ रखे हैं, मज़ा आ जा रहा है। ये सब रौनक देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर भी पुलम का पेड़ है वो, जिसमें काफ़ी बढ़िया फूल आ रखे हैं। तो काफ़ी बेहतरीन रौनक अभी पहाड़ों में आई हुई हैं। बसंत ऋतु है ये ख़ास तौर पर, और फागुन का महीना है। सभी प्रकार के पेड़ पौधे जिनमें फूल आते हैं आजकल, तो उनमें बढ़िया फूल खिले हुए हैं। तो ये रौनक कैसी लगी आपको? और आड़ू के पेड़ में काफ़ी बढ़िया फूल अभी आए हुए हैं, बाद में इन पर पत्तियाँ आ जाएंगी, उसके बाद लगेंगे फल। तो ये था हमारा दोस्तों दिन भर का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और नई खूबसूरत व्यूज़ के साथ। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ व्यू शाम के समय में, और ब्लॉग करते हैं एंड। मिलेंगे आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय बाय।